इस दौरान साबुत अनाज की रोटी या फिर ब्रेड खा सकते हैं, मखाने खा सकते हैं, ब्राउन राइस खा सकते हैं, इसके अलावा होल व्हीट। दूसरे महीने में गर्भवती महिलाओं को सबसे अधिक मितली की समस्या भी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि गर्भवती महिलाओं को कई बार खाने पीने का बिल्कुल मन नहीं करता है, मॉर्निंग सिकनेस रहती है, बहुत ज्यादा थकान कमजोरी फील होती है, और इतना ही नहीं कुछ अलग और अजीबोगरीब चीजें खाने का मन करता है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को संतुलित आहार या फिर नॉर्मल जो भोजन होता है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो इस दौरान गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पे इसका बुरा असर पड़ता है जब महिलाएं खाना नहीं खाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में आप खाने पीने में किस तरीके से अपनी डाइट को हेल्दी बना सकते हैं, क्या आपको ऐसा खाना चाहिए, किस तरीके का पोषण युक्त आहार खाना है जो कि आपके लिए और आपके गर्भ शिशु के लिए इस दौरान हेल्दी हो। तो देखिए दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान आपको संतुलित आहार में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और साथ ही विटामिन बी युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना है। इसके अलावा अगर आपको मितली की समस्या है तो आपको इस दौरान ठंडा भोजन करना चाहिए। अब प्रोटीन में बात कर लेते हैं, तो प्रोटीन में आप इस दौरान एग खा सकते हैं, सोयाबीन खा सकते हैं, कम वसा वाला मांस खा सकते हैं, मीट खा सकते हैं, मेवे खा सकते हैं और साथ ही दही और टोफू का सेवन कर सकते हैं। तो ये आपकी मितली की प्रॉब्लम में आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। दूसरा, आपको इस दौरान कार्बोहाइड्रेट्स में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेना है जो कि आपको लॉन्ग ड्यूरेशन तक एनर्जी देता रहे। ऐसे में आप इस दौरान साबुत अनाज की रोटी या फिर ब्रेड खा सकते हैं, मखाने खा सकते हैं, ब्राउन राइस खा सकते हैं, इसके अलावा होल व्हीट्स पास्ता खा सकते हैं या फिर स्टार्च युक्त सब्जियों का सेवन आप इस दौरान करेंगे तो ये आपकी मितली की समस्या को कम करेगा और आपको खाने में अधिक रुचि भी बनी रहेगी। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में विटामिन B6 आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है, यानी कि B6 के जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे कि आपको इस दौरान बनाना खाना है, आपको सब्जियों में गाजर, फूलगोभी, हरी वाली बीन्स, आलू, कम वसा वाला मांस, मछली इत्यादि का सेवन आप इस दौरान करेंगे तो आपको विटामिन B6 इससे अच्छी मात्रा में मिलता है। तो खाने पीने में इन चीजों को आप इस दौरान शामिल करिए और ध्यान रखिए कि जो भी आप खाद्य पदार्थ खा रहे हो वो ठंडा खाना है। क्या होता है कि जब हम भोजन को पकाते हैं, गर्मा गर्म इसका सेवन करने लगते हैं तो इसमें महक अधिक होती है। ज्यादा खुशबूदार खाना जो है गर्भवती महिलाओं को इस दौरान मितली की समस्या बढ़ा देता है। ऐसे में जब भोजन ठंडा हो जाए तो इसमें से महक कम आती है, खुशबू कम आती है, तो ये खाना आप आसानी से खा पाते हैं। तो इसलिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर विटामिन सी युक्त जो मैंने आहार आपको बताए हैं, इनका सेवन आप ठंडे भोजन की तरह करिए, आपको फायदा मिलेगा। इसके अलावा एक बहुत ही कारगर जो नुस्खा है वो है अदरक का। जी हाँ दोस्तों, जब आपको मितली होती है, मॉर्निंग सिकनेस होती है, तो अदरक आपको बहुत जल्दी इंस्टेंटली मितली की समस्या से छुटकारा दिलाता है। ऐसे में आप अदरक के पानी का सेवन कर सकते हैं, अदरक पली काली चाय पी सकते हैं। सुबह के समय एक ग्लास पानी में अदरक को उबाल के इसे हल्का गुनगुना करके इसमें नींबू डाल के आप इसका सेवन करिए, आपको दिन भर में मितली की समस्या से काफी ज्यादा आराम मिलता है। या फिर आप चाहें तो आंवले के रस का सेवन इस दौरान कर सकते हैं। घर पे बनाया हुआ आंवले का रस इस दौरान काफी ज्यादा गुणकारी भी होता है और आपकी मितली की समस्या को कम करने में काफी ज्यादा लाभकारी होता है। तो ये नुस्खे भी आप साथ में आजमाइए, आपको फायदा मिलेगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।